मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, क्या समझदारी वाली बात है? एक आम आदमी ऐसी भूल करे, समझ में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक रॉन्गफुल अकाउंट को रीट्वीट करे, वाह वाह वाह। एक अच्छे समझदार देश में ऐसा हो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यही है कि देश में कुछ मानसिक गड़बड़ी चल रही है। 3.5 साल से ऊपर हो गया मैं ट्विटर पे नहीं हूं, ना मेरे आने का कोई कोई मंशा है, ना कोई कारण है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और मैं बहुत आश्वस्त हूं, एंड आई डोंट नीड एनीबडीज, क्या बोलते हैं, रीअश्योरेंस इन माई लाइफ टू बी हैप्पी। बात कहाँ से शुरू हुई थी? सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर या सुसाइड से, और कौन से टुच्चेपन पे आ चुकी है? तो मेरे नाम से कोई, एक तो पहली बात तो है कि भारत में साइबर क्राइम की कोई वैल्यू नहीं है, शर्म आनी चाहिए, साइबर पुलिस को शर्म आनी चाहिए। मेरे नाम से पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में इतने अकाउंट्स खोले हुए हैं ट्विटर पे, इतने लोग मेरे नाम से कुछ भी बकवास कर रहे हैं। अकाउंट हम बंद करवाते हैं फिर खुल जाते हैं, हम बंद करवाते हैं फिर खुल जाते हैं। देर इज नथिंग लाइक साइबर पुलिस इन दिस कंट्री, हमारे देश में। वो शर्म की बात है और थू की बात है कि जब लेबर मिनिस्ट्री इस बात को नहीं समझ सकती कि सोनू निगम ट्विटर पे नहीं है, तो एक आम आदमी से मैं क्या उम्मीद करूं कि मैं किसी से बताऊंगा कि मैं ट्विटर पे नहीं हूं और मैं ये गंदगी का कोई हिस्सा नहीं हूं। आपके मुद्दे टुच्चे हैं। किसी भी देश की पहचान उसके मुद्दों से होती है। एक टुच्चा देश टुच्चे मुद्दे उठाता है और आप इस समय टुच्चेपन पे आ चुके हैं सब लोग। तो मुझे प्लीज आप इस टुच्चेपन से दूर रखिए, मैं ट्विटर पे नहीं हूं। एंड प्लीज मेरे नाम से कोई बकवास कुछ भी करे तो उसे रीट्वीट ना करें, मुझे बहुत दुख होगा। मुझे किसी की बर्बादी पे खुशी नहीं होती, मुझे किसी की बदनामी पे खुशी नहीं होती। मेरा लक्ष्य है, मेरी लाइफ एक सेल्फी है। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। सो मेरी लाइफ मेरी सेल्फी है। प्लीज आप मुझे डिस्ट्रैक्ट ना कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।